तो प्यारे बच्चों, CBSE 10th और 12th बोर्ड रिजल्ट 2021 के गोलमाल के बाद स्टूडेंट्स का क्या हाल है और उनका क्या रिएक्शन है, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पूरी वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिए। CBSE 10th और 12th स्टूडेंट अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से कोरोना काल में। तो क्या इसी तरह के रिजल्ट का आपको इंतजार था जो CBSE ने आपके साथ शेयर किया? क्या लगा, क्या ये मजाक था या एक यही रियलिटी थी, यही सच्चाई थी? कुछ बच्चों की हो गई बल्ले बल्ले और कुछ बच्चों का हाल है बेहाल। 9th 11th में जो बच्चे बड़ी मुश्किल से पास हुए वो बच्चे 10th और 12th के टॉपर बनकर निखरे, और जो बच्चे हमेशा स्ट्रगल करते टॉपर बनने के लिए, एक एक मार्क्स को इकट्ठा करते, उन बच्चों के हाल बड़े बुरे हाल हैं और वो अपना रिजल्ट किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हाल जानते हैं क्या है। तो सबसे पहला स्टूडेंट जिसका कुछ इसी तरह से हाल है, क्लास 10th में 90%, 12th में 42%। हाउ कैन इट पॉसिबल? अदर स्टूडेंट फेवरेट बाय स्कूल, क्लास 10th जस्ट पास, सिर्फ पास 10th में, और 12th में 95%, यानी कि 95 अबव आ गए। ये कैसे संभव है भाई? लेकिन कुछ भी हो सकता है CBSE के इस साल 2021 के रिजल्ट में। और ये भाई इस बच्चे के भी हाल जान लीजिए, पूरा उल्टा ही गेम हो गया भाई के साथ। 10th में 92% मार्क्स आए थे यानी कि टॉपर, सबको रिजल्ट दिखाया, 11th में रिजल्ट आया ही नहीं था, और जब 12th का देखा तो किसी को दिखाने लायक ही नहीं रहा, ओनली 68%। भाई क्या हो गया इसे, पढ़ाई नहीं करी या सारा कोरोना खा गया? तो CBSE के साल ऐसा भी कुछ देखने को मिला। एक और रिजल्ट के साथ बढ़ते हैं और ये भाई कहते हैं आई गॉट 94% इन प्री बोर्ड, यानी कि प्री बोर्ड में 94% थे और 87% हाफ ईयरली थे। माय टीचर गेव मी गुड मार्क्स इन प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में भी अच्छे मार्क्स दिए ही होंगे, बट CBSE का फाइनल रिजल्ट आया तो ओनली 86%। भाई ये कैसे हो गया यार, समझ नहीं आया, जब 94 87 चल रहा है तो 86 कैसे हो गया? फिर से एक नया रिजल्ट आ गया हमारे सामने। सर प्लीज मुझे बताएं, 80% इन 10th में 80% थे, 11th में रिजल्ट पता लगा होगा तो 90% थे, और जब अब पता लगा 12th में तो ओनली 55%। भाई फर्स्ट डिवीजन भी नहीं ला पाया, कंपार्टमेंट भी आ गई साथ में केमिस्ट्री में, तो अब क्या होगा भाई, परेशान है। लेकिन परेशानी के साथ एक और बच्चे के साथ बढ़ते हैं, क्लास 10th में 91%, 11th में पता चला तो 94%, और जब 12th का रिजल्ट देखा प्री बोर्ड में 97% थे, क्लास 12th का फाइनल रिजल्ट आया तो ओनली 88%। भाई डीयू का सपना तो इस भाई का हो गया बंटाधार। और अगला जो रिजल्ट है भाई, मेरे स्कूल में तो सीन ही अलग है, एक बच्चा 11th और 12th में एक भी बार टॉप 10 रैंक में आया ही नहीं, उसको सेकेंड टॉपर बनाए हैं। भाई क्या गजब हो गया, ऑल सब्जेक्ट में 90 मार्क्स और 3 सब्जेक्ट में तो कमाल हो गया 95 अबव। यार क्या हो गया ये रिजल्ट का, समझ नहीं आया। लेकिन आप जरूर अपने मार्क्स अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं जो CBSE ने साल दिए हैं, तो आप दोबारा एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। साथ ही अगर आप CBSE से इसका जवाब चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आपका रिजल्ट कैसा रहा इस बार, कितना रहा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, हर चीज़ का समाधान ज़रूर निकलेगा, CBSE इसका तोड़ ज़रूर निकालेगी। जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, भले जो फेल वाले बच्चे वो टॉपर बन जाए, लेकिन टॉपर बच्चे डाउन नहीं आने चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए। तो शेयर कीजिए वीडियो को, धन्यवाद।